गैस कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज था बिकॉज जैसे आपको पता है uh, आजकल का जो मौसम है ऑमनिक्रॉन कह लो या कोविड कह लो um, बहुत हल्के में लिया मैंने एंड मैं हज के जा रहा था और और यू नो आई वाज शूटिंग स्टफ तो गैस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिटनेस में तो गाइज़ सबसे बड़ी बात आ, ये वाला जो वायरस है इस बारी हमें लग रहा है कि आ, ये डेडली नहीं है ये डेल्टा की तरह नहीं है बट गाइज इसके जो इफेक्ट्स हैं ये उतने ही हैं खतरनाक जितने पहले थे मैंने से मैंने से डेंजरस Uh, मेरा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग से नहीं है मेरा मतलब है जो सिम्टम्स हैं ये वो ही ख़तरनाक सिम्टम्स हैं जैसे मुझे वही प्रॉब्लम हो गई थी ब्रेथलेस uh, और मुँह का टेस्ट बिगड़ना फीवरिश प्लस वीकनेस का एक एक अजीब किस्म की वीकनेस तो इट्स बिन ऑलमोस्ट ऑल काइज मुझे करीब uh, ये विटनेस करते हुए करीब आठ दस दिन हो गए इट्स बिन ओवर टेन डेज़ तो ये तीन दिन के लिए मैं डाउन होता हूँ एक दिन में मैं रिकवर हो जाता हूँ चौथे दिन ये फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है गैस बिकॉज मौसम दिल्ली में आपको पता है एक तो बहुत ठंड भी हो गई है ऊपर से यू नो you know, हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं होता यार लोग तो जा ही रहे हैं बिना मास्क के ये वो गाइस मैं फिर बोलूँगा कहीं भी जाइए मास्क पहन के जाइए बिकॉज आपको नहीं पता आ, कौन क्या वायरस कैरी कर रहा है एंड Uh, ये जब होता है तभी पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है मुझे भी लगता था कि अरे यार ये जिम्स क्यों बंद कर दिए हैं यू नो इससे तो प्रॉब्लम सही होगी लेकिन गाइस जिसको ये हो रहा है ये वैसा वायरस नहीं है हाँ मैं ये मानता हूँ कि uh, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है विच इज़ अ गुड थिंग विच आई प्रे कि किसी को जरूरत ना पड़े लेकिन गाइस ये बहुत ही डेडली है आपको अंदर से ख़त्म कर देता है जैसे मुझे मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है गाइस आई मीन आई फील कि सब कुछ ना जैसे कहते हैं निचोड़ गया है सब कुछ ले लिया है मतलब इस और, और ये ना ऐसा बुखार होता है ये आपको तोड़ देता है तो गैस मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा इस वीडियो के थ्रू गैस प्लीज़ अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं इस पर डिले मत करेगा कई लोग आपको बोलेंगे कि अरे तो नॉर्मल बुखार है क्रोसिन लीजिए कुछ लीजिए गाइस प्लीज़ पूरा इसका एक ट्रीटमेंट करिए चार से पाँच दिन का जो होता है कोविड का है कॉम्निक्रॉन का वो वाला ट्रीटमेंट मत करिए कि चल एक दिन कॉम्बी फ्लेम ले ली एक दिन क्रोसिन ले ली मैंने भी यही करा जब मुझे हुआ तो मैंने एक दिन कॉम्बी फ्लैम ले ली होपिंग कि कल ठीक हो जाएगा हाँ जब तक आठ घंटे कॉम्बी फ्लम पेन किलर का असर रहा मैं ठीक रहा लेकिन बाद में फिर वही हो गया फिर अगले दिन क्रोसिन ले ली तो कैस आपको इसका कोर्स मेडिकेशन का कोर्स पूरा करना ही पड़ेगा ज़रा सा भी सिम्टम है ना आपको कहा इस आप प्लीज़ ले लीजिए बिकॉज ये आपको दोबारा तंग करना शुरू कर देगा मेरे साथ जो हुआ मुझे लगा मैं रिकवर कर गया हूँ बट ये पार बार पार बार 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 मुझे तंग करने लगा इस तो जैसे मैंने आपको कहा है वेंट टू दी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स ने भी मुझे यही बोला है कि प्लीज़ आप इसको हल्के में मत लीजिए आप इसका पूरी प्रिकॉशन लीजिए बाहर मत मिलिए लोगों से और uh, मेरी वजह से ऑब्वियसली uh, मैंने अपने आप को तो क्वारंटीन कराई हुआ है घर पे गैस uh, तो बस मेरा ये मकसद है कि आप सबको बताना कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना गागल्स स्टीम मेडिकेशन पूरी लीजिए गैस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप देख सकते हो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग ब्रैथलेस तो गैस अगर ये मुझे हो सकता है जो आदमी इतना एक्टिव है इतना अच्छा लाइफ है जिसका राइट Uh, जो वर्कआउट करता है ना सिगरेट ना शराब कुछ भी नहीं आई डोंट हैव एनी आई डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स तो किसी को भी हो सकता है गाइस प्लीज डू टेक गुड केयर और बाहर तभी जाइए जरूरी है और मास्क पहन के गाइस ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है